दोस्तों आज हम हैं यूपी के तहारपुर बकरा मंडी में, जो काफ़ी फेमस है बर्बरी ब्रीड के लिए। अगर दोस्तों बात करें कमर्शियल गोट फार्मिंग के लिए सबसे बेहतर बकरी अगर इंडिया के अंदर कोई है दोस्तों, वो बर्बरी बकरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सस्ती अगर आपको कहीं देखने मिलेगी तो वो तहारपुर बकरा मंडी है, जहाँ आपको बर्बरी ब्रीड की बकरियाँ देखने मिलेंगी। देख से एक से बेहतर बकरे आपके यहाँ होंगे सामने। देखिए दोस्तों क्या रेट है भाई इसका, 1650। देखिए दोस्तों जबरदस्त बड़ा आपके आओगे सामने। देखिए दोस्तों बड़ी बड़ी बकरी 1,25,000। तो दोस्तों आगे की वीडियो में आपको दिखाता हूँ तहारपुर के बाज़ार में। लोग कह रहे हैं ब्रीडर नहीं दिखाते हो आप, जो ब्रीडर देख लीजिए आप, अंडू ब्रीडर ही दिखाऊंगा इस वीडियो में। पीछे भी दिखाया मैंने, आगे भी देख लो, और खस्सी पे भी मेरा फोकस रहेगा। खस्सी देखते हैं कुछ, ये देखिए खस्सी। तो ये बाज़ार जो है हर मंगलवार को हफ्ते में एक दिन लगता है, और जो एड्रेस है वो तहारपुर मुरादाबाद यूपी है। मुरादाबाद से संभल रोड पर ये करीब 10 किलोमीटर दूर है, और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से आसानी से ऑटो मिल जाएगा यहाँ के लिए। आप मुरादाबाद रेलवे स्टेशन उतरे, वहाँ से कोहिनूर चौक के लिए जाना है, और कोहिनूर चौक से सीधा आपको तहारपुर के लिए ऑटो मिल जाएगा। तो आप इस बाज़ार में आ सकते हैं। यहाँ पे बर्बरी के लिए खासा पहचाना जाता है, बर्बरी बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पे आती है आप देख रहे हैं जैसे कि। और रेट का जो है रेट भी हम किसानों से मालूम करेंगे। ये देखिए ये ब्रीडर है अंडू बर्बरा, और खस्सी भी है, कुछ फीमेल भी है इसमें। तो कोई भी भाई लेना चाहे तो वो यहाँ पे आके ख़रीद सकता है, रेट काफ़ी मुनासिब रहता है। और जो रेट जो होता है बाज़ार में बढ़ता घटता रहता है, रेट ज़्यादा मांगते हैं, आपको रेट यहाँ पे आके कम करना होगा। बस यही है, इंसान अपनी चीज़ की ज़्यादा रेट मांगता है। आपको एक बंदा ऐसा लाना जिस सही जानकारी हो, जिसको माल को देख के उसका रेट लगा सके, जो मुनासिब रेट उसका हो वो लगाए। ये देखिए प्योर बर्बरा ब्रीडर, बहुत ही एग्रेसिव, अच्छा क्वालिटीदार, छोटे छोटे कान रॉकेट ईयर में एकदम। तो इस तरह की क्वालिटी आपको यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलेगी ये तहारपुर के बाज़ार में। और खस्सी फीमेल बच्चे भी सभी आते हैं यहाँ पर, तो कोई भी लेना चाहे वो बाज़ार में आ सकता है। और आगे हम आपसे कुछ व्यापारियों से इंफॉर्मेशन लेंगे, रेट का मालूमात करेंगे। ये खस्सी देखिए बहुत प्यारे प्यारे लाजवाब, ये देखिए लाजवाब वेट के खस्सी पकड़े हैं ये बर्बरे। कुछ ज़्यादातर व्यापारी यहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं और आगे सेल करते हैं, ट्रेडिंग का जो काम करते हैं वो व्यापारी ज़्यादातर तहारपुर की बाज़ार से ही माल परचेस करते हैं और आगे सेल करते हैं। तो कोई भी भाई हमारा खरीदना चाहता है तो इस बाज़ार में आ सकता है। ये हर मंगलवार को लगता है ये तहारपुर में। ये देखिए फीमेल, इसका रेट लगभग करीब 6,000 रुपये का रेट होगा इस फीमेल का। अभी ये खाली है, लोडेड नहीं है, तो 6,000 में आपको करीब फीमेल मिल जाएगी, ये लोडेड हो जाएगी। तो आइए कुछ व्यापारियों से रेट का मालूम करते हैं किस तरह। ये फीमेल देखिए करीब 7,000 रुपये तक, 6-7,000 रुपये में मिल जाएगी। तो रेट मालूम कर लेते हैं, आप उनके ही मुंह से सुन लीजिए रेट क्या मांग रहे हैं। तो हवा क्या रेट है इसका, तो 4,500 रुपये उसके मांग रहे हैं। और इस वाली का रेट पूछते हैं कितना है इसका रेट, 3600 रुपये इसका रेट है। तो देखा आपने इसका 3600 है, इसका 4,500 रुपये मांग रहे हैं। आगे मालूम लेते हैं और वीडियो में। तो हमारे साथ बना रही ये खस्सी देखिए एकदम वाइट, फुल वाइट बर्बरे हैं ये। और ये देखिए जोड़ा एक खसी का, तो इस तरह की क्वालिटी आपको इस बाज़ार में देखने को मिलेगी। जो खसी भी ज़्यादातर खसी ईद के टाइम पे आते हैं, और वैसे भी लोग ले जाते हैं शादी वगैरह में ले जाते हैं यहाँ से ख़रीद के। बाज़ार से ख़रीदना रेट थोड़ा सही मिल जाता है अपना ट्रेडर से लाने में, और फार्मिंग का माल भी यहाँ पर मिलता है। ये फीमेल देखिए, ये बच्चों के साथ में फीमेल करीब 10,000 रुपये की होगी लगभग। और ये खस्सी देखिए आप, ये वाइट कलर में बर्बरा देखिए, बहुत ही प्यारा लाजवाब है, खूबसूरत बर्बरा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये फीमेल देखिए बड़ी फीमेल है, ये करीब फीमेल ऐसी होगी करीब 10-12,000 रुपये की फ़ीमेल होगी। और एक ये फीमेल है 8-9,000 रुपये की, ये वाली फ़ीमेल होगी। तो आप इस तरह की बाज़ार में आके परचेस कर सकते हैं। तहारपुर का बाज़ार ये संभल मुरादाबाद रोड पे लगता है हर मंगलवार को। ये फीमेल्स देखिए स्पॉटेड ब्राउन वाइट बर्बरी हैं। तो कोई भी बंदा अगर हमारे यहाँ से आगे परचेस करना चाहे तो वो ईज़िली आ सकता है यहाँ से और परचेस कर सकता है। किसी भाई को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।